आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा आफरी नबी, योगा इंस्ट्रक्टर, मोरा जो दसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली से, हमें डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो जो आज का ये है कि आज पूरे दुनिया में हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। आज की जो योगा की थीम थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी, तो हमने भी यहाँ पे गांधरबल में बहुत सारी जगहों पे ये योगा मनाया गया है, और हर जगह पे जैसे कि मानसबल में भी मनाया गया और कंगन में भी मनाया गया। और जो हम की योगा अब ये है कि यहाँ पे नहीं था इम्प्लीमेंट, एक दो साल से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं योगा। जो योगा की असल में बेनिफिट्स है कि वो हमारी जो बॉडी है, फिजिकल फिटनेस हमारी ठीक रहती है, मेंटल फिटनेस ठीक रहती है, और सोशली भी हम ठीक रहते हैं। तो मैं लोगों से, सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो योगा करें दिन ब दिन, क्योंकि जो भी आजकल की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है जंक फूड की वजह से, और लड़कियां खास करके वो योगा करें, और मतलब पूरे घर में, मतलब सबको कराए योगा। और हमारी ये भी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करें। फिर जो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइक रिलेटेड डिजीजेस, हम अलग अलग योगा कराते हैं, जैसे कि बैक के लिए बहुत सारी मतलब एक्सरसाइजेस आए, योग आसन आए हैं वो हम कराते हैं। और जो भी मतलब ओबेसिटी है या PCOD लड़कियों में ज्यादातर होते हैं, कि उनके लिए भी बहुत सारी योग आसन है, प्राणायाम है, जो कि उनको करने चाहिए कि उनसे उनकी बीमारी कम हो जाएगी। लोगों के रेस्पॉन्स कैसा रहा इसके साथ? हाँ, मतलब एक दो साल से पहले तो नहीं था इम्प्लीमेंट यहाँ पे, एक दो साल से आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, जो कि पर पिछले साल इतने लोग नहीं आए थे कि आज तो बहुत लगभग फिजिकल कॉलेज गाडोरा में मेरे अबाउट 700 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही बहुत जगहों पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हो गए आज की योगा का ये मतलब प्रोग्राम, वहाँ पे भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया।